नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। सिरसा के लिए बेहद बुरी खबर, पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा, उनका निधन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दो महीने से जगदीश नेहरा अस्वस्थ चल रहे थे और आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने हिसार के आधार हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और ऐसा बताया जा रहा है कि जो है ट्यूमर होने की वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि डॉक्टरों ने जो है काफ़ी प्रयास किए। इस वक्त मैं उनके निवास स्थान पर मौजूद हूं और जगदीश नेहरा के निधन की खबर जैसे ही पूरे सिरसा ज़िले में उनके समर्थकों को मिली तो उनके समर्थक काफ़ी नाराज और जो है समर्थकों में मायूसी छा गई और जो है समर्थक हैं उनके निवास स्थान पर एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। जगदीश नेहरा का जो अंतिम संस्कार है वो आज शाम को करीब 4:30 बजे उनके फार्म हाउस भागसर में किया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान सिरसा पे उनका पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जगदीश नेहरा के निवास स्थान पर, जहाँ पे जो उनका पार्थिव शरीर है वो सिरसा पहुँच गया है और उनके जो तमाम जो समर्थक हैं वो काफ़ी मायूस हैं, उनमें मायूसी छाई हुई है। उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी और जो है उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने कई चुनाव लड़े और सिरसा ज़िला जिसमें जननायक चौधरी देवीलाल और का गढ़ कहा जाता है, उसी गढ़ में जगदीश नेहरा भी पूरा संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो संघर्ष में ही बिताया। दो बार जगदीश नेहरा वो मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, एक बार सिंचाई मंत्री रहे और एक बार शिक्षा मंत्री है वो जगदीश नेहरा रहे। साफ सुथरी राजनीति के तौर पे जगदीश नेहरा को जाना जाता है और हरियाणा के दिग्गज नेताओं में जगदीश नेहरा की गिनती होती है। और हम आपको बता दें कि जगदीश नेहरा हैं वो यानी कि उनका जन्म है वो राजस्थान के गंगानगर ज़िले के भांखड़ावाड़ी गांव में उनका जन्म हुआ और वो 83 साल के थे। 5 जुलाई 1939 को उनका जन्म हुआ और उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद लॉ की डिग्री भी उन्होंने ली। उनकी जो शिक्षा है यानी कि प्रारंभिक शिक्षा है वो संगरिया, पिलाणी, जालंधर, दिल्ली व सिरसा में हासिल हुई और जगदीश नेहरा विद्यार्थी जीवन से ही सियासी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे हैं। साल 1972 में वे डबवाली जो है पंचायत समिति के सदस्य चुने गए, यानी पंचायत समिति के तौर पे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और नेहरा हमेशा से ही कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहे और कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े रहे। 1977 में उन्होंने कांग्रेस के जिला प्रधान के तौर पे अपनी जिम्मेदारी संभाली और 1982 तक वो जिला प्रधान रहे। 82 में कांग्रेस ने उन्हें रोड़ी से उम्मीदवार बनाया और रोड़ी एक तरह से चौधरी देवीलाल का गृह निर्वाचन क्षेत्र रहा है और यहाँ से 1974 में उपचुनाव जीत चुके थे चौधरी देवीलाल और यह सीट चौधरी देवीलाल की परंपरागत सीटों में थी, जहाँ से जगदीश नेहरा 1977 में चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला को लोकदल से जो उम्मीदवार थे उनको जगदीश नेहरा ने 32,921 वोट लेते हुए प्रताप चौटाला को करीब 12,000 वोटों से हराया था। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जगदीश नेहरा को अपने कैबिनेट में शामिल किया। और हम आपको बता दें कि 1987 से 1989 तक जगदीश नेहरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। संगठन में उन्होंने खूब कार्य किया और कांग्रेस के लिए भी काम किए। वो कई बार जेल गए और इसके साथ साथ उन्होंने 1988 में जो है पदयात्रा की, एक बार उन्होंने कालांवाली से चौटाला की पदयात्रा की और 1989 में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक भी पदयात्रा निकाली और वो जेल गए। चौधरी देवीलाल की लहर के बीच 1987 में वो रोड़ी से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका संघर्ष जो है हमेशा जारी रहा। 1991 में रणजीत सिंह ने 34,902 वोट हासिल करते हुए जनता पार्टी के हरि सिंह को 9,300 वोटों से पराजित किया था और वे भजनलाल की सरकार में सिंचाई मंत्री बने। एक मंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल खूब काम किया, नहरों का जो है जाल बिछा और काफ़ी नहरें और खाल बने। और ये कह सकते हैं कि 1996 में ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव हारा, जबकि साल 2000 में उन्हें टिकट मिली। सिरसा से कांग्रेस को संवारने वाले इस नेता के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। साल 2014 में
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और रानिया सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। चौधरी जगदीश नेहरा कुमारी शैलजा के काफ़ी करीबी माने जाते थे और जैसे ही कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और एलनाबाद उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में अपने घर वापसी कर ली थी और अभी जगदीश नेहरा है वो कांग्रेस में ही शामिल थे। जगदीश नेहरा हरियाणा की सियासत में एक बड़ा नाम है, उन्हें हमेशा ही किताबें पढ़ना अच्छा जो है पसंद रहा है और उन्होंने अपनी किताब भी लिखी जो अपने राजनीतिक जीवन से पूरी तरह से प्रेरित जो किताब है, जिन्होंने अपने पूरे संघर्ष की कहानी लिखी, उनके विदेश यात्राएं और तमाम जो है किस्से कहानी उन्होंने अपने इस किताब में समेटी। और ये किताब भी क्योंकि हरियाणा की राजनीति में भी एक राजनीतिक किताब जगदीश नेहरा की जो अपना इन्होंने बायोपिक इसमें लिखी पूरी तरह से, ये कह सकते हैं कि पूरा संघर्ष उनका जो रहा, कितनी बार जेल गए, विधानसभा चुनाव लड़ा और कब कब क्या क्या हुआ उनके साथ, तो उन्होंने तमाम जो है कहानी है वो अपने किताब में ज़रूर लिखी। लेकिन अंतिम दिनों में जो है जगदीश नेहरा, क्योंकि पिछले साल उनके बेटे सुरेंद्र नेहरा के अचानक निधन होने जैसे जगदीश नेहरा है वो भी अस्वस्थ पड़ गए थे और हालांकि इतने एक्टिव अब पिछले साल से वो नहीं थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है। और आज सुबह 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जगदीश नेहरा हरियाणा के दिग्गज नेताओं में से एक थे और उनका नाम हरियाणा की राजनीति के साथ हमेशा से जुड़ा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि जगदीश नेहरा के पूरे संघर्ष की कहानी को आप किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।